आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कोरोना के दूसरी लहर के बारे में, जिसने इस देश को झकझोर करके रख दिया है, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है डॉक्टर डी के गुप्ता। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है खबरों का पंचनामा में। डॉक्टर साहब, आज ये बात करना चाहेंगे, जो दूसरा म्यूटेंट है, ये जो दूसरी लहर है, ये किस तरह से खतरनाक है पहली से ज्यादा? देखिए, पहले तो ये बताना चाहिए कि दूसरी लहर क्यों आई। दूसरी लहर इसलिए आई कि हम सब ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करा। हम सब ने जो सोशल डिस्टेंसिंग थी, हैंड हाइजीन था, रेस्पिरेटरी हाइजीन था, सबकी धज्जियाँ उड़ा दी। और हमने, हमारे रोल मॉडल्स ने, नेताओं ने, सेलिब्रिटीज ने, स्पोर्ट पर्सन ने, धार्मिक लोगों ने, धर्मगुरुओं ने, सब ने ही जो खिल्लियाँ उड़ा दी। और इस तरह से क्या हुआ कि हम सबकी मानव जनित लहर है, और हम सबको दिख रहा था कि दूसरे अन्य देशों में लहरें दूसरी तीसरी आ रही हैं, वो कॉलेप्स कर रहे हैं। ब्रिटेन जैसा देश कॉलेप्स कर रहा है, तो इटली जैसा देश कॉलेप्स कर गया था हम सबके सामने, तो हम आपको अपने आपको 30 मार का समझ रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमारी जनता की और नेताओं की सबकी कमी है। और दूसरा लहर इसलिए आई कि कई नए स्ट्रेन आ गए जो काफी संक्रामक है, चाहे वो इंग्लैंड का स्ट्रेन हो, चाहे ब्राजील का हो, चाहे साउथ अफ्रीका का हो, चाहे डबल म्यूटेंट स्ट्रेन हो। ऐसे तो चार नाम पता में, एक्चुअली ऐसे कई सौ स्ट्रेन होंगे जिनके हम जीनोमिक सर्विलेंस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रही है, या इतना बड़ा लोड हो गया कि जांच ही नहीं हो पा रही, आरटीपीसीआर नहीं हो रहा, तो जीनोमिक सर्विलेंस क्या होगी। ठीक है, तो इसलिए जो नए स्ट्रेन आए, इनकी मारक क्षमता, इनकी जो इन्फेक्शन गति है, इन्फेक्शन रेट है, संक्रमण गति है, वो पहले बार 80 से 90% ज्यादा है। तो इस वजह से ज्यादा लोग इन्फेक्ट कर रहे हैं और ज्यादा लोग संक्रमित, तो इसीलिए इसमें मोर्टेलिटी, अगर जो मृत्यु दर की बात करें, जो मृत्यु हो रही है वो ऑक्सीजन में ना मिलने की वजह से, जरूरी दवाएं ना मिलने की वजह से हो रही है, या ये वायरस घातक है, किस वजह से हो रही है? देखिए, वायरस तो घातक है ही है, वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, इसका इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है। अभी तक ये नहीं पता था कितना घातक है, या उतना पुराना एक तरह का घातक है जितना पहले था, या उतना अभी करंट थोड़ा ज्यादा घातक है। बट इतना जरूर पता है हम सबको कि इसकी मारक क्षमता जो है पहले से, मतलब फैलने की क्षमता कहीं ज्यादा है, उसकी वजह से ज्यादा लोगों को चपेट कर रहा है, तो ज्यादा लोगों में कॉम्प्लिकेशन होंगे, ज्यादा डेथ होंगी। चाहे डेथ का 1% भी हो, अगर मैं पहले भी आपसे कहता था कि 70% हमारी जनता गांव में रहती है, अगर सबको फैल गया, 80% को फैल गया या 100% को फैल गया, तो 1% बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। और डेथ जो हो रही है वो कोरोना की वजह से तो हो ही रही है, प्लस कुछ जो संसाधनों की कमी है, तो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं बहुत मजबूत नहीं है, हम जीडीपी का बहुत कम खर्च करते हैं, हमारे पास आईसीयू बेड्स कम है, हमारे वेंटिलेटर बेड्स कम है, इवन अब तो ऑक्सीजन की कमी आ रही है। तो ये बहुत सारे कारण है कि बहुत अच्छा इलाज ना मिल पाना भी कहीं ना कहीं एक कारण है इसका। डॉक्टर साहब, आपने ये जो बात कही कि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या आपको नहीं लगता ये सिस्टम कोलैप्स कर गया हमारा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो पूरा सिस्टम था हेल्थ केयर सिस्टम, या हमें जिस तरह से हम जिस जगह बैठे थे वो कोलैप्स कर गया? देखिए, अगर आपकी और मेरी क्षमता घर में अपने 4 गेस्ट रखने की है, और सडनली 4 गेस्ट की जगह आप 3 BHK के घर में रहते हैं, और 4 गेस्ट की जगह सडनली 400 गेस्ट आ जाए, तो क्या होगा आपका? आपके घर की क्षमता जो है चरमरा जाएगी, मेरे घर की क्षमता। यही हुआ, कोरोना ने इतने सारे मरीज आउट ऑफ प्रोपोर्शन डेवलप कर दिए, और बड़े कम समय में 2-3 हफ्ते में इतने सारे मरीज बढ़ गए। उसकी वजह से ये जो हमारा सिस्टम था वो कहीं ना कहीं चरमरा गया है, हमारे पास इतने बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। सोच रहे जिस ऑक्सीजन की कमी, सोचा था आपने कि हम जो सांस लेते हैं हमें पता नहीं लगता ऑक्सीजन कमी है ज्यादा है, इतनी सारी फ्रीली अवेलेबल है। बट अब ऐसा सिस्टम आ गया कि कभी अस्पताल में ऐसा नहीं सुना था कि ऑक्सीजन कमी हो गई हो, पहली बार इस सदी में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि अस्पताल में ऑक्सीजन कमी हो रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में इफेक्ट तो आया है, सिस्टम चरमराया भी है और कॉलेप्स भी हुआ है। डॉक्टर, एक चीज हमने बहुत नोटिस करी, ये बहुत सारे लोगों के इसके बारे में भ्रांतियां बहुत है, किसी को सही जानकारी नहीं मिल रही, और जानकारी के अभाव में भी लोग अस्पतालों में भाग रहे हैं, जो इलाज घर से हो सकता है उसके लिए भी भाग रहे हैं, जिससे सिस्टम पे लोड पड़ रहा है, बट चूंकि लोगों में इतना पैनिक क्रिएट हो गया, और खास करके जो लोग जिनकी पहुंच थोड़ी अच्छी है, तो हर जगह से सिफारिश करवा के जबरदस्ती भर्ती हो रहे हैं, जबरदस्ती इलाज करवा रहे हैं, और ज्यादा जिनको 4 दिन रहना है वो 6 दिन रहने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से जिनको एक्चुअल आवश्यकता है, जिन लोगों को, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, उनको वेंटिलेटर बेड नहीं मिल पा रहा है, उनको आईसीयू बेड नहीं मिल पा रहा है, और उनका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सफर हो रहा है। और रेमडेसिविर और ये दवाइयाँ जरूरी नहीं है, ये सब लोगों के लिए इंडिकेटेड नहीं है, लेकिन लोगों ने प्रिस्क्राइब ऐसे कर दी है कि वो पर्चियाँ बना के लोग घूम रहे हैं, प्लाज्मा चाहिए, लेकिन इतनी सारी स्टडीज होकर मैं आपको बताऊंगा, ना तो प्लाज्मा से डेथ में कोई फर्क पड़ता है, और ना ही रेमडेसिविर को फर्क पड़ता है। रेमडेसिविर से सिर्फ इतना होता है कि अगर आप 10 दिन की जगह हो सकता है 8 दिन में अस्पताल से वापस हो जाओगे, ड्यूरेशन कम कर सकती है, लेकिन
लेकिन उसकी पोजीशन ऐसी बन गई है कि वही जीवन को रक्षा दे रहा, उसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई। बोलूंगा नहीं, इसमें कभी कभी कुछ लोगों को कुछ चीजों को हम किसी तरह और तरह से हथियार की तरह यूज करते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि किस तरह से इसको यूज करना है वो नहीं करना चाहिए, इसकी इतनी जरूरत नहीं। सिर्फ सीवियर लोगों में जिनकी सीटी स्कोर का 15 से ज्यादा है, जो कोमॉर्बिड है, जिनकी 60 साल से ज्यादा उम्र है, तो सीरियस है, जिनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, उनको हम दे सकते हैं, उनकी सीवियरिटी कम हो जाए और ड्यूरेशन भी स्टे कम हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो हम जिस स्थिति में बैठे हैं आज, हमें क्या करना चाहिए जिससे इस पर नकेल लग सके, किसी तरह से हम स्थितियां काबू में ला सके, अभी हमें तुरंत क्या करना चाहिए? कि इस समय तो सबसे बड़ी लोग पैनिक खत्म करें, सरकार को चाहिए, नेताओं को चाहिए, धर्मगुरुओं को चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स को चाहिए, डॉक्टर्स को चाहिए, नर्सेस को चाहिए, हम सबको एक ही भाषा बोलनी चाहिए, वो हुई डॉक्टर्स की भाषा, कि कैसे हम कंट्रोल करें पब्लिक को, क्योंकि जितना हम लोग पैनिक क्रिएट करेंगे, अब देखो ना, बड़े बड़े उप मुख्यमंत्री बड़े बड़े ट्विटर पे अस्पताल डाल रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो रही है, यहाँ खत्म हो रही है, तो जो जनरल पब्लिक है, जो आजकल जो ट्रांसपेरेंसी एक हद से ज्यादा जब ट्रांसपेरेंसी होती ना, तब भी कभी ना कभी उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है, तो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं जनता में, जनता में जब पैनिक क्रिएट होगा, क्या कालाबाजारी करेगी, वो सिलेंडर खरीद लेगी, घर पर रख लेगी, रिफिलिंग नहीं पाएगी, तो जिन अस्पतालों को सिलेंडर चाहिए होंगे जहाँ पहुंचेंगे वहाँ नहीं पहुंच पाएंगे, तो कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट करने की जरूरत है। ऑक्सीजन सप्लाई 5-7 दिन में दुरुस्त हो जाएगी, और सप्लाई इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन हमारे पास बहुत सारी है, उसको मेडिकल ऑक्सीजन बड़े आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, सरकार ने ऐसे आदेश दे दिए हैं, जितने प्लांट स्टील प्लांट है जहाँ ऑक्सीजन जाती थी वो सब बंद कर दी गई है, एक सब कुछ डाइवर्जन शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं 5-7 दिन में बिल्कुल सुचारू रूप से सब अस्पतालों को मिलने लगी, तब तक हम पब्लिक को चाहिए धैर्य रखे, और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे सेचुरेशन 95 से कम है तो ऑक्सीजन लाने की जरूरत नहीं, जब तक 91 से नीचे ना जाए, अगर 91 जा रहा है तो कारण क्या है उसका, अगर हमें हाई ग्रेड फीवर है तो पैरासिटामोल लेनी चाहिए, अगर हमें कोई एंजाइटी है तो हम रिलैक्स करें, सो जाएं, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी इंडिविजुअल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी कम करना है, अगर सब लोग प्रैक्टिस करेंगे, या हम प्रोन पोजिशन लेट जाएं उल्टे, उसके बाद डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें, तो इन सब तरीकों से भी हम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को अपनी बॉडी के अंदर बढ़ा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि जैसे अभी कुंभ चल रहा है, इलेक्शन की रैलीज चल रही हैं, इस तरह से हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही, उसने किस हद तक कोरोना को बढ़ाने में योगदान दिया? देखिए, ये सब एपी सेंटर की तरह काम कर रहे हैं, कहीं भी अगर 1,500 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कुंभ में तो लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल होते हैं, और या राजनीतिक रैलियां होती हैं वहाँ 5 लाख 10 लाख 1-2 लाख तो हर छोटी रैली में इकट्ठे होते हैं, तो ये सब लोग बेचारे अनभिज्ञ होते हैं, अज्ञान होते हैं, उनमें इतनी सारी अवेयरनेस नहीं होती है, बट नेताओं को रोल मॉडल मानते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे नेताओं की भी गलतियाँ हैं, इसमें इस तरह के आयोजन नहीं करने चाहिए थे, और इस आयोजन करने की वजह से ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, या जो कुंभ में गए हैं वो अपने घर में जा रहे हैं, गाँव में वापस लौट जा रहे हैं, तो वहाँ इन्फेक्शन को फैलाएंगे, वहाँ एपिसेंटर क्रिएट करेंगे, तो ये चीज़ें इन गतिविधियाँ सबको बढ़ाती हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा था कि पार्शियल लॉकडाउन होना चाहिए, जितनी भी अनावश्यक चीज़ें हैं, जितनी भी गैर जरूरी चीज़ें, उन सबको अगले 3 महीने के लिए बंद कर देना चाहिए, चाहे आयोजन हो, चाहे धरना प्रदर्शन हो, आपने बात नहीं करी किसानों के धरने चल रहे हैं, किसानों के धरने भी चल रहे हैं, हमें वो ये चला कुंभ चल रहा था, राजनीतिक रैलियों की पार्टियां चल रही थी, उनकी रैलियां चल रही थी बहुत सारी, स्कूल कॉलेजेस तो बंद हो गए, एग्जाम बंद हो गए, पब्स चल रहे थे, रेस्टोरेंट चल रहे थे, मॉल्स खुले हुए थे, सिनेमा हॉल्स खुले थे, इन सबको टेम्परली जान है तो जहाँ है सबको बंद कर देना चाहिए था, जब तक कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हम डेवलप कर लें कि इतने सारे मरीजों का लोड ले सकते हैं, या हम ये चाहें कि जब तक बंद करें जब तक चीख की वेव थोड़ा सुस्त ना हो जाए। अभी डॉक्टर साहब क्या लग रहा है कि क्या हम लोग पीक पे पहुंच गए हैं या अभी पहुंचना बाकी है? मुझे लगता है अभी 10 दिन हमें इस पीक पहुंचने में प्लेटू तक रहना पड़ेगा, उसके बाद चीजें सामान्य शुरू हो जाएंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।